सो आज का खाना मैं खुद बनाऊंगा। एक मिनट, डील का तो मैंने बताया नहीं। You heard the right word. तो आज मैं आपको ओज़मो में लेके आया हूँ और ओज़मो में आपको मिलेंगे वनीला समोसा, चॉकलेट समोसा और ऑल्सो नटेला समोसा। क्योंकि यूजली मैं पर्सनली ये नॉर्मल आलू चिकन और बीफ वाले समोसे बना के तंग आ गया। तो कुछ देर पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मोटरसाइकिल की स्टोरी देखी और जहाँ पे वो वनीला समोसा ट्राई कर रहे थे। तो आज बड़ा आइडिया एक अच्छे क्रिएटर को देख के अगर इतना क्रिएटर मेरा हक बनता है कि मैं उनको फॉलो करूँ। तो आई डिसाइडेड कि मैं आपको उसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा क्योंकि ये चीज़ अभी बहुत रेयर है और नॉर्मली कोई भी नहीं खाता हूँ और समोसे तो यूजली सबको पसंद है। बारिश होनी हो रही है लेकिन समोसा खाना फिर भी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको बड़े ही ज़्यादा डिफरेंट समोसा मिलेंगे और नॉर्मली जो मुझे जिसने अट्रैक्ट किया इनके नॉर्मल डेला स्वीट क्रीम समोसा थी। तो लंच हो गई। इससे पहले मैं आपको इसकी खाता हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग से छोटा सा लहसुन का है फोटो का नाम। तो उसके बाद मैं आपको सारे इसकी डिटेल बताऊँ। तो लेट्स स्टार्ट आए वीडियो। एक अपना ऑर्डर मंगवा लेते हैं। ऑर्डर मंगवाने से पहले ऑर्डर पेश करना पड़ेगा। तो हम एक ही बुला लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। सो इसके अलावा मेन्यू पर नहीं जाएंगे, वैसे गाइड करेंगे आपका मोस्ट हाई सेलिंग कौन सा है स्वीट्स में। स्वीट्स में हम आला मोस्ट सब कर रहे हैं जिसके अंदर 2 स्वीट समोसा विद आइसक्रीम है और उसमें आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे चॉकलेट स्मोर, रेसीज, एप्पल पाई एंड नटेला ब्राउनी। इनमें से 2 एप्पल ब्राउनी और उनमें से कोई 2 का ऐड करें। नटेला ब्राउनी एंड चॉकलेट स्मोर। नटेला ब्राउनी में ब्राउनी एंड नटेला होगा और जो स्मोर है उसमें मार्शमैलो एंड नटेला होगा। हमारा होलसेलर है यही 2 डन करें। इसके अलावा कोई होलसेलर चाय ट्राई करना चाहेंगे, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट नहीं ये नहीं बेस समोसा में हम अटैक करेंगे। समोसा आप अटैक करेंगे। ओके, सेवरी ट्राई करना चाहेंगे। सेवरी वो कौन सी है? सेवरी में दम का कीमा है, कैरमलाइज्ड अनियन है, बटर चिकन है, पिज़्ज़ा है, थाई चिकन है, फुल बारबेक्यू बीफ है। ये यूजली मैं ये वाला फूड कवर करता रहता हूँ। आज हम मेन समोसा सीरीज़ ही करते हैं, समोसा डेली करते हैं। आप आला मोड ही ट्राई करवाऊंगा। हाँ आला मोड ही करते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अब 15-20 मिनट्स में मैं आपको ऑर्डर सर्व कर दूँगी। थैंक यू। इससे पहले अभी तक बोरिंग नहीं बैठते। लेट मी शो यू कि ये अपना ऑर्डर कैसे रेडी कर रहे हैं। चलो तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, कैब भी उतर गया है, तो ऑर्डर भी हमारा तकरीबन आ गया है। सुलह भी शो यू कि हमारे ऑर्डर में क्या क्या है। ऊपर में आला मोड के साथ। अच्छा ये वाला कौन सा फ्लेवर है? ये वाला कौन सा? ये नटेला होगा, ये स्मोर है। ये स्मोर जी। थैंक यू। तो परफेक्ट। सुलह में इसके सिनेमैटिक्स में दिखाता हूँ कि कैसे डील लगी। चलो परफेक्ट हमारे सिनेमैटिक्स में आपने देख लिया ये क्या क्या इन्होंने दो स्कूप इसमें वनीला आइसक्रीम है और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है फ्लेवर्स के समोसास। ऊपर से इन्होंने थोड़े से हमारी चॉकलेट और एक और सॉस इन्होंने ऐड की थी मीठी मीठी। अब लेट्स सी कि क्योंकि मोटरसाइकिल तो पास कर दी, अब देखते हैं कि हमें पसंद आते हैं कि नहीं आते। आइसक्रीम साइड से गए, आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम वही वनीला फ्लेवर आइसक्रीम है। ऊपर से जो इन्होंने सीरम ऐड्स किए हैं वो तो एक हाईलाइट अब कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसको एक देसी तरीके से मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर से क्या है, इसका समोसे में फीलिंग क्या हुई है। इधर आओ, मेरे हाथ तो गंदे हो गए लेकिन वाह ये तो अच्छा है, ये ब्राउनी वाह ये अच्छा लग रहा है। वैसे बस साटू से इस तरीके से टेस्ट रिव्यू के चक्रों में मेरे हाथ गंदे हो गए। हमारा यूजली अगर टू भी मैं बताऊँ ना, मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वाकई अच्छा होगा। इसके जो बाहर की आउटर लेयर है वो थोड़ी सी वो है सोल्टी, और अंदर से तो जो उसे उसका ब्राउनी का टेस्ट आ रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा सीरम और आप साथ में चॉकलेट भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हाइड्रेटिंग, इससे पहले ये ऐसी की चीज़ मैंने नहीं खाई और ये वाकई खाने वाली है। तो आपको लाजमी मैं डिज़ायर करूँगा आप इधर करें, थोड़ी थोड़ी सी वनीला की बात करें। ये वाला तो हमारा हो गया चॉकलेट वाला, अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं, दूसरे में क्या छुपाया है। इधर आओ, अब इसके देखते हैं हमारे इसकी फीलिंग में क्या है। पाइनएप्पल पीस केक, ये ऐसे का कुछ है, ये इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका टेस्ट ये वाला ज़्यादा इसके लिए था। हाथ गंदे होने का भी कोई दुख नहीं है, कोई इतना वो कमाल था ना, हम इसको अब हाथों को ज़्यादा नहीं कह सकते। तो इसका प्रॉपर मैंने ये डील इंजॉय करने थे, बाद में उसका टेस्ट भी बताता हूँ कि पूरी डील में क्या क्या था। चलो इतनी खुशी कि अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं डिसाइड की कि ये खाना। तो अब इसका होटल में मैं बिल भी मंगवा लेता हूँ और देखते हैं कि इसका प्राइस टैग क्या था, कि पॉकेट फ्रेंडली है या एक्सपेंसिव डील है। लेकिन टेस्ट रिव्यू के लिहाज से क्लियर थी। तो इसका अभी मैं मंगाता हूँ बिल और वो दिखाता हूँ कि कितने पैसे का थे। चलो परफेक्ट वहाँ बिल आ गया और लमेश हो गया कि इसका बिल क्या है। Literally, बस ओनली ऑन इन जस्ट 300 ₹300 में ये डील हमें मिली, और ऊपर से 16% GST डाल के ऑलमोस्ट ₹50 में GST काटी। इट्स कम्प्लीटली फाइन कि ये इतना पर्सनली इतनी मज़े की डील इस बजट में कुछ भी नहीं है, लिटरली वाकई कुछ भी नहीं है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लाजमी यहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि ये वाकई ऊपर डेट पहली आ रहे 13 फैब, ये फैब ले लेंगे वैलेंटाइन डे के लिए। ये डील बहुत ही चीप है कि आप ये, लेकिन ये है कि क्वालिटी आपको मिल रही है कि आप हाईली कि आप यहाँ पे आज नहीं आए। मैं लोकेशन पिन कर रहा हूँ, तो ये CSD मॉल के सामने ही है, साथ में ही है। तो बड़ी प्रीमियर लोकेशन पे इतना लो रेट है, इट्स टोटली ऑसम। सो दैट्स इट कि ये था एक बड़ा ही एक शॉर्ट सी वीडियो पर एक इतना कमाल का खाना। मैं तो लाजमी दोबारा आऊँगा, और आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आते नहीं आए। तो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ गाइस इसका आना चाह रहे, और ये बिल का ये ऐसे हाल कर दिया, अभी पे करके बस यहाँ से निकलते हैं, बाय। सो ये बैलून फेस्टिवल का सीन ऐसे है कि अगर आपको इनका खाना पसंद आ जाए या इनके एनवायरनमेंट पसंद आ जाए, तो आप खाने के बाद ये है कि उनको पसंद आया कि ये हमारा एक रीज़न है कि हमें खाना पसंद आया और ये एनवायरनमेंट इसलिए था। ये पहले कितने बजे पहले दफ़ा मैंने गलती से बुझाई, बाद में मुझे रीज़न पता चला कि ये रीज़न है।